गाइस, तो आपने देखा कि मैंने एक दिन में कैसे घूमा चेन्नई शहर। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर देख सकते हैं। तो आगे के तमिलनाडु के सफ़र के लिए मैंने अपना सारथी चुना TTDC को। TTDC की आपको सारे इन्फॉर्मेशन एक अलग वीडियो बनाकर दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। दूसरे दिन की शुरुआत मैंने की TTDC ऑफिस चेन्नई से, और 52 किलोमीटर का सफर तय कर मैं पहुंच गई होटल तमिलनाडु ममल्लापुरम के बीच रिजॉर्ट में, जहां हमने किया ब्रेकफास्ट और कुछ पल एंजॉय किया बीच रिजॉर्ट में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप यहां स्टे करना चाहें तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर ये होटल बुक कर सकते हैं, जहां आपको प्राइवेट बीच मिलेगा और ये एरिया भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चेन्नई से बाय महाबलीपुरम या ममल्लापुरम हम पहुंचे पुडुचेरी, जो कि 173 किलोमीटर है। क्या आप जानते हैं पॉन्डीचेरी एक फ्रेंच कॉलोनी थी 1954 तक, और अब ये एक यूटी है। यहाँ आज भी फ्रेंच लेगेसी प्रिजर्व कर रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही खूबसूरत फ्रेंच क्वार्टर्स और स्ट्रीट्स, जहाँ पे आपको मस्टर्ड कलर के विलास और अच्छे बुटीक्स मिल जाएंगे। अगर आप पौंडीचेरी आए तो यहाँ का फेमस गणेश टेम्पल कभी मिस मत करिए। इतना सुंदर आलीशान गणेश टेम्पल मैंने तो कहीं नहीं देखा। वॉल पर क्या खूबसूरत पेंटिंग्स थी, और अंदर एक अलग ही सजावट। सच मानिए, मन को बहुत ही शांति मिलेगी। गणेश टेम्पल के कुछ ही दूरी पर है पुडुचेरी का या पौंडीचेरी का फेमस रॉक बीच। क्या आप जानते हैं ये रॉक बीच एक मैनमेड बीच है? बहुत ही खूबसूरत बीच है ये। आपको लगेगा कि आप कहीं इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर ही आ गए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप एक दिन बिता सकते हैं ओरोवेले आश्रम में, जो यहाँ से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर वहाँ के लिए आपको एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। पौंडीचेरी से 76 किलोमीटर्स दूर मैं पहुंच गई अब पीछावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट्स देखने के लिए। पीछावरम होस्ट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। पीछावरम कवर करता है 1100 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया, और यहाँ पर आपको मिलेंगी बहुत ही वैरायटी फ्लोरा एंड फौना की। ये मैंग्रोव्स अट्रैक्ट करते हैं माइग्रेंट बर्ड्स को, और बहुत ही डिफरेंट स्पीसीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। वैसे एक बात और बताऊँ, जब 2004 में तमिलनाडु में सुनामी आई थी तो पीछावरम वो एरिया था जहाँ पे सबसे कम डैमेज हुआ था ड्यू टू मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसके बाद डे टू का था आखिरी स्पॉट विजिट करना, जो कि यहाँ से था 52 किलोमीटर दूर, जिसे तय कर हम पहुँच गए चिदम्बरम के थिल्लई नटराज टेंपल में। ये टेंपल लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। यहाँ पर आपको शिव जी की प्रतिमा आनंद तांडव करते हुए नजर आएगी, और साथ ही आपको विष्णु जी के दर्शन होंगे। वो ऐसे कि जब आप सीधा विष्णु जी की तरफ देखेंगे, उनकी प्रतिमा की तरफ देखेंगे, और आप सिर्फ अपनी राइट ओर गर्दन घुमाएंगे, आपको शिव जी के भी दर्शन हो जाएंगे एक ही कंपाउंड में।
ये टेंपल इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ हर साल महाशिवरात्रि के दिन दुनिया भर से लोग भरतनाट्यम डांस करने आते हैं। तीसरे दिन की शुरुआत टीटीडीसी ने हमारी करवाई अमृता खडेश्वर टेंपल के दर्शन से, जो कि होटल तमिलनाडु थिरुकडवियूर से कुछ ही दूरी पर था। इस टेंपल की विशेषता यह है कि जब किसी कपल की एनिवर्सरी को 60 इयर्स कंप्लीट होते हैं तो वो इसी टेंपल में गॉडेस अभिरामी के दर्शन करने आते हैं। और बहुत रीति रिवाजों और धूमधाम के साथ अपनी सालगिरह मनाते हैं। साउथ के हर टेंपल में आपको गजराज तो मिलेंगे ही, तो ये उन्हीं का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो भला मैं भी क्यों पीछे रहती, मैंने भी गजराज जी का आशीर्वाद ले ही लिया। इसके बाद लगभग 50 किलोमीटर कवर करने के बाद मैं पहुंची अपने अगले स्टॉप पर, जो कि था वेलिंगटनी। इंडिया में वेलिंगटनी चर्च यहाँ के कैथोलिक्स के लिए एक बहुत ही रिस्पेक्टेड धार्मिक स्थल है। वेलिंगटनी चर्च का निर्माण गॉथिक स्टाइल में किया गया है। इट इज बिलीव दैट इन 16th और 17th सेंचुरी मदर मैरी अपीयर्ड इन द स्मॉल विलेज, यस वेलिंगटनी, विद इन्फेंट जीसस इन हर हैंड्स। वेलिंगटनी से लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच गए थंजावुर, और वहां पर हमने विटनेस किया थंजावुर का ग्रैंड मराठा पैलेस। थंजावुर का मराठा पैलेस 1530 में नायक राजाओं ने बनवाया था। मराठा राजवंश के सबसे फेमस किंग थे सरफोजी भोसले। इन्हीं के नाम से इस पैलेस को सरफोजी पैलेस भी कहा जाता है। महाराजा सरफोजी बहुत ही जिज्ञासा रखने वाले और कला में काफी निपुण थे। इस पैलेस में आपको पुराने समय में जंग में यूज होने वाले काफी हथियार और पुराने समय में जो भी कलाकृतियां थी वो भी देखने को मिलेंगी। सरस्वती महल लाइब्रेरी एशिया की पुरानी लाइब्रेरीज में से एक है, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 16th सेंचुरी के आसपास नायक किंग्स के द्वारा। यहाँ पर आपको बहुत ही रेयर कलेक्शन ऑफ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिलेगी, तो इस पैलेस को भी आप विजिट कर सकते हैं, आपको खूब आनंद आएगा। सरफोजी पैलेस देखने के बाद मैं पहुंच गई आज के दिन की आखिरी डेस्टिनेशन पर, जो की थी मोस्ट अवेटेड डेस्टिनेशन फॉर मी, और वो था बृहदेश्वर टेंपल, जिसको हम बिग टेंपल भी कहते हैं। यह टेंपल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, जिसको बनवाया था चोल साम्राज्य के महान राजा 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 प्रथम ने। इसीलिए इस टेंपल को राजा राजेश्वरम टेंपल भी कहा जाता है। बिग टेंपल की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1003 ईस्वी में और कंप्लीट हुई थी 1010 ईस्वी में। मंदिर में एंटर करते ही आपको दिख जाएगी नंदी महाराज की एक प्रतिमा, जो कि एक ही पत्थर से बनाई गई है, और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नंदी जी की प्रतिमा है। इस मंदिर को लेकर कई रोचक बातें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ये मंदिर पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ है। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में 130,000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन मंदिर के आसपास और 50 किलोमीटर की दूरी तक भी आपको कहीं ग्रेनाइट नहीं मिलेगा। तो उस समय में इतना ग्रेनाइट यहाँ कैसे आया, ये कोई नहीं जानता। संसार में अपनी तरह का और पहला मंदिर था जिसको ग्रेनाइट से बनाया गया था। मंदिर के ऊपर एक ही पत्थर का बना हुआ एक कलश है, जिसका वजन 80 टन का है।
यह बात हमें चकित करती है कि उस समय में इतना बड़ा 80 टन का कलश ऊपर कैसे पहुंचाया गया होगा। और भी इस मंदिर से जुड़ी रोचक बातें हैं, जिसको जानने के लिए आपको यहाँ आना ही होगा, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी ना ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को।